Hello students, so our topic for today is Nasiruddin's aim, and in this chapter we will know that if a person keeps an aim and tries it to achieve it, then one day he definitely achieves it. So it is a story of a person named Nasiruddin, and we will read it out. One day Nasiruddin was chatting with his friend. So what does chatting means? It means informal conversation. आपस में जो हम बातचीत करते हैं, that is called chatting. He began to boast. Boast means अपनी बड़ाई करना. No one can match my skills in archery. तो उसने अपने friends के आगे अपनी बड़ाई करनी शुरू कर दी और बोला कि कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता किस में, archery में. Archery is a sports or a game of bow and arrow. ठीक है, जिसमें तीर कमान जो होता है उसमें निशाना लगाना, that is called archery. Clear? Next is, I string the bow, take aim and shoot the arrow. Whoosh! The arrow is sure to hit the right target. तो अपनी बड़ाई करते हुए क्या बोलता है? I string the bow. Now what does string means? बेटा string means a cord. ठीक है, string का मतलब क्या होता है? Cord. जो धागा होता है उसके अंदर, उसको बोलते हैं string. ठीक है, this is string. So उसने क्या बोला कि I string the bow. String the bow मतलब मैं जैसे उसको खींचता हूँ, cord को खींचता हूँ, और जैसे मैं एम लगाता हूँ, देन वुश मतलब एकदम से तीर जो है निशाने पे लग जाता है, राइट ऑन द टारगेट. सो नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटे. हियरिंग दिस, वन ऑफ हिज फ्रेंड इमीडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरोस. तो जब ये बातें गप्पे मार रहा था, वो अपनी डींगे मार रहा था, तो उसमें से एक फ्रेंड था और वो गया इमीडिएटली, मतलब एकदम से गया, और उसने क्या किया कि बो और एरो लेकर आ गया और उसको थमा दिया. ठीक है, गिविंग देम टू नसीरुद्दीन ही सेड. तो जब वो बो एंड एरो लेकर आया, उसने क्या किया, नसीरुद्दीन को दिया, और फिर क्या कहा वो हम पढ़ लेते हैं. ठीक है बेटे, हियर नसीरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरो. ठीक है, तो वो कहता है नसीरुद्दीन लो भाई मैं ले आया, अब इसको लो और इसको पॉइंट करो. देन पॉइंटिंग टू वर्ड्स अ टारगेट ही सेड एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो. फिर उसने एक टारगेट उसको बताया कि देखो वहाँ पे जाके तुम उसको टारगेट करो और शूट करो, और हमें बताओ कि तुम्हारा सीधा निशाने पे लगता है या नहीं लगता है. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं. नसीरुद्दीन हेल्ड, यस बेटा आप, नसीरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड, स्ट्रंग इट, एम्ड एट द टारगेट एंड शूट एन एरो. तो नसीरुद्दीन के पास जब दोनों बो एंड एरो आ गया, तो वो चाहे डींगे मार रहा हो, पर अब फ्रेंड्स को दिखाने के लिए उसको क्या करना पड़ा, उसको वो एम लगाना पड़ा. उसने क्या किया, फिर से भाई तीर कमान उठाया, स्ट्रिंग को स्ट्रंग एट मतलब उसको फिर से निशाने पे लगाया, एम किया टारगेट पे और शूट किया एरो पे. वो तो वो एरो जैसे उसने बोला था वुश एकदम से जाते टारगेट पे लग जाता है, वैसे वो एरो आगे को गया, लेकिन क्या टारगेट पे लगा, द एरो डिड नॉट हिट द टारगेट. पर वो टारगेट पे लगा ही नहीं, इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल. वो निशाने तक पहुंचना, वो टारगेट तक पहुंचने के बजाय वो बीच में ही रास्ते में ही कहीं गिर गया. एंड हा हा हा, और फिर क्या हुआ, जिनके आगे वो डींगे मारा था वो सारे फ्रेंड्स जो हैं उसके सामने हंसने लगे, उसके ऊपर हंसने लगे. हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग, उसके फ्रेंड्स हंसने शुरू हो गए. दे सेड हे नसीरुद्दीन इज दिस योर बेस्ट एम. तो फिर उन्होंने क्या बोला कि नसीरुद्दीन क्या ये तुम्हारा सबसे अच्छा एम था जिसके बारे में तुम इतनी तारीफ कर रहे थे. ठीक है, ओह नो नॉट एट ऑल सेड नसीरुद्दीन. अब नसीरुद्दीन ने अपनी जान तो बचानी थी, तो उसने कहा ना ना ये मेरा थोड़ी था, मैं तो डिफेंडिंग हिमसेल्फ. नाउ हियर द वर्ड डिफेंडिंग मीन्स, डिफेंडिंग का मतलब होता है अपने आप का बचाव करना. ठीक है, डिफेंडिंग मीन्स टू, डिफेंडिंग मीन्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक. अपने उसके ऊपर जो एक तरीके से सबके सब अटैक करने शुरू हो गए थे, to protect from attack. ठीक है, it means protect from attack. ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के, वो क्या करने लगा, डिफेंडिंग मीन्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द अटैक, मतलब अपने फ्रेंड्स के अटैक से बचने के लिए उसने क्या कर दिया, कह दिया कि ना ना ये मेरा निशाना थोड़ी था. अब देखो वो क्या बहाना लगाता है आपकी तरह. ठीक है, दिस आगे बोलता है दिस वॉज इन माई एम, ये मेरा एम थोड़ी था, इट वॉज आजाद्स एम. तो उसने क्या बोला ना ये मेरा एम थोड़ी था, ये तो आजाद जो उसके साथ में फ्रेंड खड़ा था भाई, ये तो इसका एम था कि अगर ये मारता
तो इसका यहाँ तक जाता है। मैं तो आपको बता रहा था कि ये कैसे करता है या आजाद का एम कैसा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटे। हाँ नेक्स्ट है, आई जस्ट शोड यू हाउ आजाद शूट्स एन एरो। तो उसने अपने आप को डिफेंड करते हुए, अपने आप को बचाते हुए बोला कि मैंने तो ये मार के आपको ये बताया है कि देखो अगर आजाद मारता तो कैसे मारता। Saying this, Nasiruddin picked up another arrow. और ये बोला और फिर उसने एक और एरो उठाया, ठीक है। Then once again he strung the bow, aimed at the target and shot the arrow. उसने एक बार फिर से bow arrow उठाया, फिर से aim लगाया और shoot कर दिया। This time the arrow fell little further from where it had fallen before. ठीक है, तो जैसे पिछली बार गिरा था उससे थोड़ा सा आगे गिरा, लेकिन फिर भी एम तक नहीं पहुंच पाया। क्लियर दिस मच? इतना इतना समझ आया बेटा सबको? नेक्स्ट हम करते हैं, बट इट सर्टनली डिड नॉट हिट द टारगेट। तो जब पहला बहाना लगा दिया आजाद का, दूसरी बार एम किया, उसके बाद भी वो जो है एरो अपनी जगह पे नहीं पहुंचा, बट वो थोड़ा सा उस पहले वाले पॉइंट से थोड़ा आगे तक चले गया था, पर अपना टारगेट नहीं अचीव किया। अब आगे करते हैं, दे आस्क्ड नसीरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। तो अब उन्होंने बोला अच्छा तो ये वाला निशाना तुम्हारा था, ठीक है, कि पहले वाला तो आजाद का था, तो ये वाला निशाना जो है ये शायद तुम्हारा था जो अब फिर से टारगेट पे नहीं लगा, ठीक है। अब हम आगे कर लेते हैं, ऑफ कोर्स नॉट। तो उसने कहा ना बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा थोड़ी था। आर्ग्यू नसीरुद्दीन, आर्ग्यू का मतलब होता है किसी से बहस करना, ठीक है, अपनी बात मनवाने के लिए अड़े रहना, दैट इज कॉल्ड argued। argued नसीरुद्दीन, इवन दिस एम वॉज नॉट माइन। तो उसने कहा ये भी मेरा एम नहीं था, इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम। तो इसमें इस बार भी उसने किसी और के ऊपर उस चीज़ का निशाना साध दिया कि ये मेरा एम नहीं था, ये जो चीफ गार्ड है उसका एम था, ठीक है। आगे करें, नाउ somebody remarked, well, now who's next on the list? तो अगले जब सारों के सामने वो हेकड़ी मार रहा था, बहाने मार रहा था, अभी आजाद का है फिर चीफ गार्ड का है, तो इनमें से किसी एक फ्रेंड ने बोला कि आप बता दे भाई अगला जो निशाना मारने वाला है वो किसके नाम पे मारेगा, ठीक है। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग। तो जब जैसे इसने बोला कि भाई आप किसके ऊपर तुम बिल फाड़ने वाले हो या किसका झूठा नाम लेने वाले हो, तो ये सब सुन करके उसके फ्रेंड जो है उसके ऊपर मजाक बनाने लगे, उसको हंसने शुरू हो गए। नसीरुद्दीन डिड नॉट से अ वर्ड, ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, ठीक है, पर अब उसका मजाक बन रहा था तो अब के बार उसने कोई वर्ड नहीं बोला, कुछ बोला नहीं, बट उसने क्या किया अपना एरो उठाया, एंड अगेन एंड दिस टाइम नसीरुद्दीन वॉज रियली लक्की, ठीक है। उसने इस बार फिर से एरो उठाया और इस बार वो लक्कीली उसने क्या किया, वो एरो को शूट जब किया, द एरो हिट ऑन द टारगेट। तो लकीली इस बार क्या हुआ, ये उसका थर्ड अटेम्प्ट था, उसका कहाँ पहुँच गया, एकदम से उसके निशाने पे लग गया, दैट वॉज ऑन द टारगेट। क्लियर बेटा, इतना समझ आया? सो आगे करते हैं, एवरीबॉडी स्टेयर्ड एट नसीरुद्दीन, देयर माउथ्स गेप इन अमेजमेंट। तो अब जब निशाने पे लग गया, दैट वॉज इज थर्ड अटेम्प्ट, बट स्टिल एग्जैक्टली वो सेंटर पे लग गया, जैसे आपको डार्ट बोर्ड में, ये डार्ट बोर्ड होता है बेटा जिसके ऊपर निशाना लगाया जा रहा है, ठीक है, इसको डार्ट बोर्ड बोलते हैं। तो जैसे निशाने पे लग गया तो सबके सब अचंभे में उसको देखने लगे। तो अ गेप इन अमेजमेंट का मतलब होता है, अ गेप का मतलब होता है मुंह खुले रह जाना, ठीक है। व्हाट डज अ गेप मींस, खुला हुआ मुंह रह जाना। अमेजमेंट मतलब आश्चर्य में, ठीक है, अचरज में, ठीक है, आश्चर्यजनक होकर के मुंह खुला का खुला रह जाना, हैरान रह जाना कि ओहो इसने तो सच में टारगेट पे मार दिया उस चीज़ को। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, नसीरुद्दीन सेड ट्रायम्फेंटली, डिड यू सी दैट, इट वाज माय एम। अब निशाने पे तो लग गया था, तो मतलब जो अभी तक उससे गलतियाँ हो रही थी, तो अब तो वो शेर बन गया सच्ची में। उसने क्या किया, इससे पहले कि कोई और कुछ बोलता उसने पहले ही बोल दिया कि देखो ये था। Triumphantly का मतलब होता है बेटा victoriously, विजेता जो होता है ना, जिसकी जीत होती है उसके अंदर अपने आप में एक प्राउड आ जाता है अंदर से, ठीक है, ऑफ विक्ट्री। तो वो जो विजय होने का, वो जो जीतने का अपने आप में खुशी होती है, उस प्राउड के साथ उसने बोला कि ये देखो ये था मेरा एम। डिड यू सी दैट, इट वॉज माई एम। अब उसने फाइनली कहा कि ये वाला था मेरा एम जो आपने अभी देखा।
So this is all about your explanation reading part of this chapter. I hope you have understood it. Now go through this once again and try to read it yourself. Take care, everyone.